बड़ी खबर का रुख करते हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने दिया हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को यह प्रतिष्ठित अवार्ड। व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आरएचबी के कोचिंग हब, एआईएस रेजिडेंसी चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना को मिले राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने अपनी पूरी टीम को अवार्ड का श्रेय दिया है। और एक दौर ऐसा था जब हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की बात आ रही थी, लेकिन जब पवन अरोड़ा ने बतौर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर जिम्मेदारी संभाली तो उसके बाद मानो हाउसिंग बोर्ड के दिन बदल गए और वर्तमान स्थिति में हाउसिंग बोर्ड प्रॉफिटेबल संस्था। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, अभी तक उपलब्धियां हाउसिंग बोर्ड के नाम रही, पीछे चेहरा पवन अरोड़ा का रहा और उपलब्धियों को नोटिस किया गया और एक बेहतरीन अवार्ड उनको व्यक्तिगत कैटेगरी में मिला है। बिल्कुल, बड़ा सम्मान है और काफी प्रतिष्ठित जो संस्था है एसीआईएचआरडी कांग्रेस, उसने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को ये अवार्ड दिया है। और जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पवन अरोड़ा को मिला है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बीते 4 सालों में हाउसिंग बोर्ड ने जितना काम किया है एक के बाद एक, चाहे वो जयपुर और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देना हो या आम आदमी को सस्ती दरों पर क्वालिटी के मकान उपलब्ध कराना हो, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के बारे में ये कहा जाता था पहले कि क्वालिटी हाउसिंग बोर्ड की अच्छी नहीं है, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड ने मिथक को तोड़ दिया है के जो आवास है वो क्वालिटी के लिए पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही विजेंद्र, जितनी भी जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को इस सरकार में मिली, अभी मैं खासकर विधायक परियोजना की बात करूं जिसकी संभावना है कि जुलाई के महीने में उसका कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो जितनी जल्दी विधायक आवास परियोजना का काम जिस क्वालिटी के साथ हाउसिंग बोर्ड ने पूरा किया है उतनी जल्दी बिल्डर भी जो अपने प्रोजेक्ट हैं वो पूरा नहीं कर पाते। समय से पहले कोरोना जैसी चुनौती के बावजूद उस प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड ने पूरा कर दिखाया है। तो ये सब हुआ पूरी टीम से है, ये कहा भी है हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कि पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि उनकी मेहनत, उनकी मॉनिटरिंग और उनके विशेष प्रयासों से एक के बाद एक प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड ने अच्छे से डिलीवर किया है। और यही कारण है कि आज व्यक्तिगत श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।